गुड इवनिंग फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं शेयर एकेडमी का एक और सेशन। डेट है आज 20 जून और रात के बज रहे हैं 8:15। सेशन बहुत ही शानदार था फ्रेंड्स आज का, चूंकि वीकली एक्सपायरी थी निफ्टी की, इसलिए 140 पॉइंट्स बढ़कर निफ्टी बंद हुआ है। आप में से वो लोग जिन्होंने हमें अभी अभी ज्वाइन किया है, चैनल को कीजिए सब्सक्राइब। नाम है शेयर एकेडमी। अपनी उम्मीद से भी तेज़ी से हम आगे बढ़ रहे हैं फ्रेंड्स। चैनल को शुरू हुए सिर्फ 5 महीने हुए हैं और 2000 सब्सक्राइबर्स हमारे होने वाले हैं। और अगर ये वीडियोस आपको किसी भी तरह से पसंद आ रहे हैं या फिर इनसे किसी भी तरह से आपको कुछ सीखने के लिए मिल रहा है या हो रहा है आपको प्रॉफिट, तो वीडियोस को कीजिए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और कमेंट्स भी अगर ये वीडियोस आपको आ रहे हैं पसंद। और फ्रेंड्स आज का जो ये सेशन है ये बेहद इंपॉर्टेंट सेशन है, और उसकी वजह यह है कि ये सेशन जो हमारी लर्न टू अर्न सीरीज है, जिसे कि आप लोगों ने बहुत ज़्यादा प्यार दिया है, इसी सीरीज का 13th वीडियो है। और अगर हम कहें कि इन 13 वीडियोस में से कोई दो वीडियो जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने चाहिए, जिन्हें आपको देखना ही चाहिए उन वीडियोस में से, तो सबसे पहला है ट्रेंड एनालिसिस। और आज का ये वीडियो जो कि हम आज आपके लिए लेकर आए हैं, वीडियो है सेक्टर एनालिसिस क्यों है सबसे ज़रूरी। ये दो वीडियोज़ ऐसे हैं जिन्हें हर एक मार्केट के जो भी निवेशक है उसे ज़रूर देखना चाहिए। ये दो वीडियोज़ बाइबल हैं, और इनमें भी सेक्टर एनालिसिस का वीडियो सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। आप में से वो लोग जो चाहते हैं हमें टेलीग्राम ग्रुप पर फॉलो करना, जुड़ सकते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल से भी। स्क्रीन पर आ रहे इस नंबर पर मैसेज कीजिए, हमारे मॉडरेटर्स आपको ऐड कर लेंगे। फ्रेंड्स शर्त सिर्फ एक है कि शेयर एनालिसिस का मकसद, जो शेयर अकेडमी है इस चैनल का मकसद, मार्केट के अंदर स्पेकुलेशन या फिर गैम्बलिंग करना नहीं है। हम शेयर्स को यहाँ पर थॉरली एनालाइज करते हैं फंडामेंटल बेसिस पर और टेक्निकल बेसिस पर, उसके बाद शेयर में लंबे समय तक खरीदारी की सलाह देते हैं। हम यहाँ पर गैम्बलिंग नहीं करते हैं शेयर में किसी भी तरह से। साथ ही साथ अगर आप ऑप्शन ट्रेडर या फिर इंट्राडे ट्रेडर हैं तो दूर रहिए हमारे इस चैनल से और साथ ही हमारे ग्रुप से, क्योंकि ऑप्शन ट्रेडिंग या फिर इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए हम किसी तरह की मदद नहीं कर सकते आपकी। हाउएवर, ऑप्शन चेन एनालिसिस और फ्यूचर एंड ऑप्शन FNO दोनों सेगमेंट्स का हम स्टडी करते हैं, और इसे सिर्फ अपने स्टडी पर्पज़ के लिए ही रखते हैं ताकि बेहतर तरीके से डिसीजन लिया सके। तो फ्रेंड्स शुरू करते हैं आज का इस सेशन, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा इसे। हाउएवर, जो हम हमेशा करते हैं आज भी हम वही करेंगे, वो है बिल्कुल लेमैन लैंग्वेज में, एकदम ज़मीनी तौर पर, एक आम आदमी की भाषा में आपको ये समझाना कि सेक्टर एनालिसिस क्या है और ये क्यों है ज़रूरी सबसे ज़्यादा जब तक कि आप मार्केट के अंदर शामिल हैं। ओके फ्रेंड्स, और अब इसे बहुत ध्यान से सुनिएगा। किसी भी इकोनॉमी के कुछ पर्टिकुलर साइकिल्स होते हैं और इकोनॉमी इन साइकिल्स के अंदर ही मूव करता है। आमतौर पर एक रिटेल निवेशक क्या करता है कि ग्रेजुएशन की डिग्री कंप्लीट की और उसके बाद कुछ लाख रुपए उसके हाथ में है और वो सोचता है कि सीधे मार्केट के अंदर कूद जाते हैं और मार्केट से पैसा बना लेते हैं, और इतना सोचते ही वो मार्केट के अंदर आता है और जो शेयर उसे बिजनेस चैनल्स पर डिस्कस होते हुए दिख जाता है या फिर जो शेयर्स उसके दोस्त ने बता दिया खरीदने के लिए या जिस शेयर के बारे में उसके पास में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन है वो शेयर बाय कर लेता है। असल में मार्केट के अंदर आने का ये अप्रोच पूरी तरह से गलत है। आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि किसी भी सेक्टर के कुछ नियम क्या हैं। जैसे कि अगर कोई डॉक्टर के प्रोफेशन में जाना चाहता है तो उसे अपनी स्टडीज़ थॉरली कंप्लीट करनी चाहिए। अगर वो अपनी स्टडीज़ कंप्लीट नहीं करता तो सेल्फ मेडिकेशन लेने से पहले उसे किसी डॉक्टर की सलाह की ज़रूरत होनी चाहिए। सेम यही चीज़ इंजीनियरिंग के अंदर भी है, सेम यही चीज़ किसी भी प्रोफेशन में है, और इसीलिए आपको अगर फाइनेंस के अंदर आना है और अगर निवेश करना है तो भी आपको किसी एक अच्छे निवेशक की मदद लेनी चाहिए या अपना नॉलेज बढ़ाना चाहिए। और अगर आपको अपना नॉलेज बढ़ाना है तो आपको ये पता होना चाहिए कि इकोनॉमी के कुछ खास तरीके होते हैं, एक साइकिल है पर्टिकुलर जिस साइकिल के अंदर घूमते हुए मोर और लेस इकॉनमी मूव करती रहती है। ये साइकिल्स क्या होते हैं? एक समय आता है इकॉनमी में जब इकॉनमी बिल्कुल अपने डाउन ट्रेंड पर होती है, बिल्कुल निचले लेवल्स पर, और इसे समझने के लिए क्या ज़रूरी है? निफ्टी का ये चार्ट ज़रा ध्यान से देखिए। एक समय होता है कि जब मार्केट पूरी तरह से अपने डाउन ट्रेंड में होती है, जब कहीं भी उम्मीद की कोई किरण नज़र नहीं आती। इन पार्ट्स को हम कहते हैं रिसेशन या कॉन्ट्रैक्शन, जब इकॉनमी की हालत पूरी तरह से खराब होती है। ठीक, अब इसे ध्यान से सुनिए और समझने की कोशिश कीजिएगा तो आपको ये जो आज का सेक्टर एनालिसिस है ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक, इकॉनमी के कुछ खास साइकिल हैं। इन साइकिल्स में सबसे पहला होता है रिसेशन, जहां से इकॉनमी बढ़ना शुरू करती, यानी अब इकॉनमी पूरी तरह से कॉन्ट्रैक्ट हो गई है, मार्केट से सारा पैसा निकल चुका है, अब मार्केट के अंदर कोई पैसा नहीं आ रहा है। तो इस पर्टिकुलर साइकिल में मार्केट में पैसा आने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है, कौन से सेक्टर ज़रूरी होते हैं? सबसे पहला बैंकिंग। क्यों? इकॉनमी को रन करने के लिए पैसा ज़रूरी होता है। पैसा पब्लिक को मिलता कहाँ से है? बैंक से। सबसे पहले RBI की के आदेशानुसार बैंक्स जो है वो सस्ते लोन उपलब्ध कराना शुरू करते हैं आम पब्लिक को। तो आम पब्लिक को नहीं, इंडस्ट्रियलिस्ट को।
सस्ते लोन लेकर इंडस्ट्रियलिस्ट इंडस्ट्रीज खड़ी करते हैं, इंडस्ट्री खड़ी करने से जॉब्स क्रिएट होती हैं, लोगों को जॉब मिलती है और जॉब मिलने से लोगों की जेब में पैसा आता है। इस पैसे का इस्तेमाल जो आम पब्लिक है वो अपने ज़रूरत के साधन खरीदने में शुरू करती है। क्या इस्तेमाल करती है? सबसे पहले दैनिक जो उपभोग की वस्तुएं हैं, जैसे कि FMCG सेक्टर्स। ठीक, तो सबसे पहले कहाँ से शुरू होता है साइकिल? बैंकिंग से। बैंक सबसे पहले चलते हैं, देन FMCG सेक्टर्स। FMCG सेक्टर्स के अंदर जब लोग खरीदारी करते हैं तो FMCGs बढ़ते हैं, इसके बाद इकोनॉमी का एक्सपेंशन होता है, धीरे धीरे और इंडस्ट्रीज लगती हैं, लोगों की परचेजिंग पावर और बढ़ती है, लोगों के पास और पैसा आता है, तब शुरू होती हैं ट्रांसपोर्टेशन, लोग गाड़ियां खरीदनी शुरू करते हैं, गाड़ियां खरीदनी शुरू करते हैं, ओवरऑल इकोनॉमी में बूस्ट होता है, तब गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ता है कंस्ट्रक्शन क्षेत्र में और ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ाने के लिए। क्या? रोड्स बनाना, साथ ही साथ बिल्डिंग हाउसिंग प्रोजेक्ट्स बनाना। क्यों? आदमी सबसे पहले खरीदता है FMCG, फिर अपने लिए हेल्थ केयर, फिर गाड़ियां और गाड़ियों के बाद घर, तब शुरू होता है कंस्ट्रक्शन का फेज जिसमें कि इस्तेमाल होते हैं सीमेंट और मेटल्स। इन सब के बाद फिर आता है एक्सपेंशन का फेज, जिस एक्सपेंशन के फेज में टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है, IT कंपनीज ये सारी की सारी बढ़ती हैं, और उसके बाद इन सब के बाद में फिर लग्जरी गुड्स, जिनमें कि जो भी आपकी ये कॉक्स एंड किंग्स जैसी कंपनीज हैं ये। सो बेसिकली है क्या, इस पूरी स्टोरी को बताने का आपके लिए मकसद क्या है कि इकोनॉमी जो है वो एक साइकिल के तहत मूव करती है। अगर आप इस साइकिल को समझते हैं अच्छी तरह से, अगर आप थोड़ा बहुत भी बिजनेस चैनल देखकर उसकी इन्फॉर्मेशन गैदर करके या अपनी तरफ से स्टडीज करके ये समझते हैं कि करंटली इकोनॉमी किस सेक्टर के किस फेज के अंदर चल रही है, तो आपको ये पता रहेगा कि इस समय इसी फेज के जो भी स्ट्रांग सेक्टर्स हैं हमें सिर्फ उसके अंदर ही पैसा लगाना चाहिए या बाय करना चाहिए। ये एक वेल स्टडीड तरीका है जिस तरीके के अनुसार आपको इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर साइकिल में जो सेक्टर्स चलने वाले हैं उस समय उन्हीं सेक्टर के अंदर पैसा लगाना चाहिए। अगर आपके पास इसके बारे में इंफॉर्मेशन है तो आप सही सेक्टर के अंदर निवेशित रहेंगे सही समय पर। अगर आप सही समय पर सही सेक्टर के अंदर निवेशित नहीं होंगे तो होगा क्या, जब बैंकिंग सेक्टर डाउन ट्रेंड में है, अगर आपने उस समय बैंक्स के शेयर खरीदे तो रिटर्न नहीं मिलेगा। जब मेटल सेक्टर्स डाउन ट्रेंड के अंदर है उस समय आप अगर मेटल के शेयर्स खरीद रहे हैं तो रिटर्न नहीं मिलेगा। इसलिए सही तरीका क्या है ये आइडेंटिफाई करना कि इकोनॉमी का करंटली कौन सा साइकिल या साइकिल का कौन सा फेज चल रहा है, इस फेज के अंदर किस तरह के सेक्टर्स हैं जो अच्छा परफॉर्म करेंगे, और उसके बाद उन सेक्टर्स के जो फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स हैं उन शेयर के अंदर निवेशित रहना। अब इसका एक लाइव एग्जांपल हम आपको अपने सामने दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। आपको पता है कि शेयर एकेडमी के अंदर पिछले 3 महीनों से हम 3 सेक्टर्स के ऊपर बुलिश हैं। कौन कौन से? एक केमिकल सेक्टर, दूसरा फूड प्रोसेसिंग सेक्टर और तीसरा फाइनेंस सेक्टर। जरा मजेदार चीज देखिए, इन तीनों सेक्टर को अभी हम कंपेयर करेंगे, केमिकल सेक्टर को, सीमेंट सेक्टर और ऑटो सेक्टर। करंटली जो इकोनॉमी का फेस चल रहा है फ्रेंड्स वो है कि निफ्टी जब अपने टॉप पर है, जरा इसे ध्यान से देखिए, ये था कॉन्ट्रैक्शन का फेज और अब आने वाला है अर्ली कॉन्ट्रैक्शन। ये एक्सपेंशन का फेज हो चुका निफ्टी का पूरा, अब कॉन्ट्रैक्शन का फेज आने वाला है जहां पर कि इकोनॉमी धीरे धीरे कमजोर हो रही है। आपको पता है कि GDP हमारी 4.2 से लेकर 4.8 पर आ गई है, जो एक समय 10 हुआ करती थी। सेकंड, अनएम्प्लॉयमेंट का जो डाटा है इंडिया के अंदर वो पिछले अप्रॉक्सीमेट 40 ईयर्स में सबसे ज्यादा है, इस समय अनएम्प्लॉयमेंट सबसे ज्यादा है। ट्रांसपोर्टेशन का हालत ये है कि 2 हफ्ते पहले, तकरीबन 14 दिन पहले एक रिपोर्ट आई थी जिसके अंदर ये बताया गया था कि तकरीबन 35,000 करोड़ रुपीज की जो गाड़ियां हैं वो वेयर हाउसेस के अंदर खड़ी हैं, कोई खरीदार नहीं मिल रहा है। तो ये है इकोनॉमी के 3 मेजर सेक्टर्स की हालत जहां पर कि सारे डाटा पूरी तरह से नेगेटिव आ रहे हैं। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन आप एनालाइज कर सकते हैं तो आपको पता चलेगा कि इकोनॉमी एक कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर आने वाली है, और कॉन्ट्रैक्शन फेज के अंदर अगर आने वाली है तो ज़्यादातर सेक्टर्स की हालत खराब होगी। एक बार चलिए इस चीज़ को स्टडी करके देखते हैं आपके सामने लाइव एग्जांपल, क्या जो हम कह रहे हैं वो वाकई सही है, और अगर सही है तो करेंटली इकोनॉमी का जो फेज है इस फेज के अंदर ऑटो सेक्टर कॉन्ट्रैक्शन में आना चाहिए, यानी ज्यादातर ऑटो शेयर्स को डाउन ट्रेंड में होना चाहिए। चलिए देखते हैं कि क्या ज्यादातर ऑटो शेयर्स डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। अशोका लीलैंड डाउन ट्रेंड दिख रहा है, और फ्रेंड्स हम ये मानकर चल रहे हैं कि आपने अभी तक के हमारे सारे वीडियोस देख रखे हैं इससे पहले लर्न टू अर्न सीरीज के। क्यों? अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे या आपने अगर ट्रेंड एनालिसिस वाला वीडियो नहीं देखा तो आपको नहीं पता चलेगा कि जो हम चार्ट पर ट्रेंड की बात कर रहे हैं इस ट्रेंड का मतलब क्या है। तो हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि इस वीडियो को इमीडिएटली पॉज कीजिए,
ट्रेंड एनालिसिस के वीडियो को देखिए लर्न टू अर्न सीरीज के, तो आपको क्लियर हो जाएगा कि ट्रेंड एनालिसिस क्या है और कैसे आप ये पता लगा सकते हैं कि करंटली किसी भी शेयर का ट्रेंड क्या है. इसका एक वीडियो था, ये ट्रेंड का बेस्ट यूज कैसे करें, इस वीडियो को देख लीजिएगा और ट्रेंड एनालिसिस क्या है इसे देख लीजिएगा. ठीक है, अब जरा ध्यान से देखिए जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं. अशोका लेलैंड डाउन ट्रेंड के अंदर है 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे. बजाज ऑटो इकलौता ये शेयर था जो विरोधाभास दे रहा था, मतलब आउट परफॉर्म कर रहा था अपने सेक्टर को. भारत फोर्ज डाउन ट्रेंड, आयशर मोटर डाउन ट्रेंड, हीरो मोटो डाउन, M&M डाउन, मारुति डाउन, टाटा मोटर्स ह्यूज डाउन, TVS मोटर्स डाउन, संधार कंसोलिडेशन. तो मैक्सिमम जो मेजर शेयर्स थे फोर व्हीलर्स के, टू व्हीलर्स के, ये सारे के सारे डाउन ट्रेंड में हैं. अब ऑटो सेक्टर अगर पूरी तरह से डाउन ट्रेंड में है और इस समय अगर आप ऑटो सेक्टर का कोई शेयर खरीद लें और आप ये एक्सपेक्ट करें कि ऑटो सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, तो बताइए कि समझदार कौन है. कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए कि समझदार कौन है. ठीक, ये हो गया ऑटो सेक्टर. और देखते हैं सीमेंट नहीं, इंटरटेनमेंट. ठीक, ध्यान से देखिएगा इंटरटेनमेंट की हालत क्या है. जी डाउन ट्रेंड, सन टीवी डाउन, डिश डाउन, TV18 डाउन, हैथवे केबल्स डाउन, जागरण प्रकाशन, डेन, डीबी कॉर्प, NDTV सारे के सारे डाउन ट्रेंड में. और कुछ अच्छे लेते हैं, लेदर इंडस्ट्रीज. ओके ठीक है, लेदर इंडस्ट्रीज. ठीक है, बाटा इंडिया आउट परफॉर्म कर रहा है मार्केट को. रिलैक्सो, मिर्जा इंटरनेशनल, खादिम, श्री लेदर, BIL, लिबर्टी शूज, सुपर हाउस, लॉरल प्लॉय, स्टैन, दिख रहा है. तो इसका मतलब क्या है कि एक सेक्टर, सेक्टर के अंदर एक आध शेयर्स ऐसे होते हैं जो सेक्टर को आउट परफॉर्म करते हैं, नो डाउट एक आध शेयर आउट परफॉर्म करते हैं, बट मैक्सिमम शेयर्स जो है वो सेक्टर के अकॉर्डिंग परफॉर्म करते हैं. अब जरा देखिए कि क्यों हम इस समय सीमेंट सेक्टर और केमिकल सेक्टर पर बुलिश हैं. जरा इन दोनों सेक्टर्स को आपने देखा, इनके ज्यादातर शेयर्स डाउन ट्रेंड के अंदर थे. अब जरा सीमेंट सेक्टर को देखना शुरू कीजिए. इंडिया सीमेंट गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट देने की शुरुआत कर रहा है. JK सीमेंट गिरावट के बाद देख रहा है, गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दे चुका. JK लक्ष्मी गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट, शेयर ऊपर की तरफ है. रैमको ब्रेकआउट ऊपर की तरफ. ACC कॉन्टिन्यूअसली अप ट्रेंड है, ये बिल्कुल शॉर्ट टर्म का डाउन ट्रेंड है. ठीक, बिरला कॉर्प गिरावट के बाद कंसोलिडेशन और ब्रेकआउट दे चुका. श्री सीमेंट अप ट्रेंड. स्टार सीमेंट अप ट्रेंड, गिरावट के बाद ब्रेकआउट अप ट्रेंड. अंबुजा गिरावट के बाद कंसोलिडेशन, ये लगार्ड है, ये थोड़ा धीमे चल रहा है सेम सेक्टर का. अल्ट्राटेक गिरावट के बाद अप ट्रेंड. हेडलबर्ग अप ट्रेंड. तो देखिए सीमेंट सेक्टर के 10 में से 8 शेयर अप ट्रेंड में हैं और ऑटो सेक्टर के 10 में से 8 शेयर डाउन ट्रेंड के अंदर हैं. ये फ्रेंड्स पावर है सेक्टर एनालिसिस की. अगर आपको पता हो कि इंडस्ट्री के किस साइकिल में कौन सा सेक्टर अच्छा परफॉर्म करेगा, आप उसी सेक्टर के शेयर्स में बने रहें, तो आपकी मार्केट के अंदर प्रॉफिट निकालने की प्रोबेबिलिटी कहीं ज्यादा होगी बजाय आंख बंद करके किसी भी शेयर को खरीद लेने के. अब देखिए एक और मजेदार चीज, केमिकल सेक्टर. क्यों हम कहते हैं कि केमिकल सेक्टर के ऊपर बुलिश हैं हम, ध्यान से देखिए. एल्कली एमाइन अप ट्रेंड, गणेश डाउन ट्रेंड के अंदर है. ट्रांसपैक ग्रूवेल डाउन ट्रेंड के बाद राउंडिंग बॉटम पैटर्न और ब्रेकआउट. गुजरात एल्कली राउंडिंग बॉटम ब्रेकआउट. गुजरात फ्लोरो अप ट्रेंड. IGPL डाउन ट्रेंड के अंदर है. लिंडे इंडिया अप ट्रेंड. नवीन फ्लोरो अप ट्रेंड. फिलिप्स कार्बन डाउन ट्रेंड के अंदर है. हाँ फिलिप्स कार्बन डाउन ट्रेंड के अंदर है. ठीक, विनाती ऑर्गेनिक्स अप ट्रेंड. तो मतलब क्या है, केमिकल सेक्टर के ज्यादातर 10 में से करीब 6-7 शेयर्स हैं जो अप ट्रेंड के अंदर हैं. ठीक, तो इसकी वजह क्या है, इसकी वजह है सेम वही कि एक पर्टिकुलर साइकिल में इकोनॉमी के एक पर्टिकुलर स्टेज पर एक सेक्टर है जो अच्छा परफॉर्म करता है. आपको इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ना चाहिए, नॉलेज इकट्ठा करना चाहिए कि इकोनॉमी करेंटली किस फेज में है, इस फेज में कौन से सेक्टर्स हैं जो अच्छे परफॉर्म करेंगे और आपके मैक्सिमम शेयर्स उन्हीं सेक्टर के होने चाहिए. अब फ्रेंड्स देखिए कितनी मजेदार चीज है, यह है हमारा रेगुलर क्वेरीज का सेगमेंट. इसके अंदर वो सारे शेयर्स हैं जो शेयर
हमारे जो निवेशक हैं, जो हमारे सब्सक्राइबर्स हैं, वो हमसे पूछते हैं, हम आपसे क्यों बार बार अलग अलग क्वेश्चंस पूछते रहते हैं, क्योंकि आपके क्वेश्चन से हमें अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करने का मौका मिलता है और अपनी स्टडीज़ से हमें नतीजे निकालने का मौका मिलता है कि क्यों रिटेल निवेशक ज़्यादातर मार्केट के अंदर नुकसान उठाते हैं। ज़रा इन शेयर्स को ध्यान से देखिए कि हमारे जो जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं वो किस तरह से और कौन कौन से शेयर्स पूछते हैं हमसे। ठीक, ज़रा ध्यान से देखिए, जेट एयरवेज के बारे में क्वेरी आती है, जैन इरीगेशन पर क्वेरी आती है, सुजलॉन, J&K बैंक, यस बैंक, THFL, CG पावर। शेयर्स के ट्रेंड देखिए, ऑलमोस्ट सारे के सारे शेयर्स डाउन ट्रेंड के अंदर हैं। BPL, PEL, IGPL, PC ज्वेलर्स, ट्रेंड्स देखिए, एस्कॉर्ट्स। सोचिए आप कि इस समय ऑटो सेक्टर अवॉइड करना है और इस समय लोग ऑटो सेक्टर को खरीदने के पीछे पड़े हुए हैं। और अगर सेक्टर वाइज हम देखें तो जरा देखिए, एग्रोकेमिकल में इतनी क्वेरीज हुई थी हमसे, एयरलाइंस में इतनी, और ऑटो सेक्टर की क्वेरी देखिए जरा। जिस समय ऑटो सेक्टर को पूरी तरह से अवॉइड करना चाहिए, उस समय ऑटो सेक्टर के अंदर सबसे ज्यादा क्वेरीज हो रही हैं हमसे। बेवरेजेस, रेडिको खेतान के अंदर डाउन ट्रेंड के अंदर है, ह्यूज डाउन ट्रेंड है रेडिको खेतान के अंदर, और इसके अंदर क्वेरीज हो रही हैं हमसे। पॉलीकैब लेटेस्ट है, स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ह्यूज डाउन ट्रेंड है, केबल सेक्टर टेलीकम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ, और इसके अंदर क्वेरीज आ रही हैं। सीमेंट के अंदर और सेरेमिक सेक्टर के अंदर क्वेरीज तब शुरू हुई जब हमने बार बार ये इंफॉर्मेशन दी कि करंटली सीमेंट सेक्टर के अंदर यू टर्न आ रहा है और सेरेमिक सेक्टर के अंदर यू टर्न आ रहा है। तब फ्रेंड, सेशन बहुत ज्यादा लंबा करने का कोई मतलब नहीं है कि इसे 50 मिनट का हम सेशन कर दें। इंपॉर्टेंट चीज है नॉलेज कम समय में लेमैन लैंग्वेज में आप तक पहुंचाना। सबसे इंपॉर्टेंट है कि स्टडी कीजिए कि करंटली इकोनॉमी किस साइकिल के अंदर है, इस साइकिल में वो कौन कौन से सेक्टर हैं जो सबसे अच्छी तरह से परफॉर्म करेंगे, उन सेक्टर्स को एनालाइज कीजिए और उसके बाद उन सेक्टर्स के बेस्ट शेयर ढूंढ लीजिए जो फंडामेंटली स्ट्रांग हो, और फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर्स ही सबसे पहले चलना शुरू करते हैं कभी भी जब सेक्टर का ग्रोथ आना शुरू होता है। तब मिड कैप और स्मॉल कैप सबसे आखिर में चलते हैं, सबसे पहले लार्ज कैप चलते हैं। ठीक है, सिर्फ इतनी सी स्टडी का अगर आप इस्तेमाल कर लें फ्रेंड्स, तो मार्केट के अंदर होने वाले लॉसेस से न केवल आप बच सकेंगे बल्कि अपनी प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा सकेंगे। अर्ली बर्ड के तौर पर ऐसा क्यों हुआ कि हमने सबसे पहले जो थे वो केमिकल सेक्टर्स के अंदर हम घुसे। देखिए अर्ली बर्ड के तौर पर आप देखिए गुजरात एल्कली, ठीक, कैपेसाइट, ये कंस्ट्रक्शन क्षेत्र का था, KPR मिल्स, ग्रूवेल, ये दोनों के दोनों केमिकल सेक्टर के हैं। ठीक, इंडिया सीमेंट, JK सीमेंट, देखिए ये सीमेंट सेक्टर के समय, एडवांस एंजाइम, तीन केमिकल, चार केमिकल, वाइनिल इंडिया, चार केमिकल, मेघमणि ऑर्गेनिक्स, पांच केमिकल। ऐसा क्यों है, माइथन एलॉय क्यों है कि हम केमिकल सेक्टर के ऊपर ही बुलिश होकर अचानक से कूद पड़े? उसकी वजह यह थी कि केमिकल सेक्टर के अंदर एक यू टर्न आ रहा था, सेक्टर परफॉर्म करना शुरू कर रहा था। सेम वही सीमेंट सेक्टर के अंदर भी, रैमको सीमेंट, JK सीमेंट, ACC, ये हमने इसी के लिए दिए क्योंकि सीमेंट सेक्टर के अंदर एक यू टर्न आ रहा था। तो फ्रेंड्स, सेक्टर एनालिसिस ये समझ लीजिए कि बाइबल है मार्केट का या गीता है मार्केट की। अगर आपने ट्रेंड एनालिसिस आपको पता है और सेक्टर एनालिसिस पता है तो मार्केट में न केवल आपकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ेगी बल्कि आपके लॉस मेकिंग चांसेस भी कम होंगे। वो शेयर्स जो परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, वो सेक्टर जो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसे दूर रहना है। हम क्यों कह रहे हैं करंटली कि बैंकिंग से दूर रहिए, क्योंकि ये समय बैंकिंग के अंदर घुसने का नहीं है अभी। क्यों हम कह रहे हैं कि इस समय फार्मा से दूर रहिए, क्योंकि दो फार्मा को छोड़कर बाकी कोई और फार्मा के अंदर इस समय मूवमेंट नहीं है। इस समय सिर्फ और सिर्फ तीन सेक्टर हैं जिनके अंदर सबसे बढ़िया मूवमेंट है, वो है केमिकल, सीमेंट और फूड प्रोसेसिंग का। क्यों हम इन बातों पर जोर देते हैं इतनी ज्यादा? वो इसी वजह से कि अगर आपने एक बार ट्रेंड एनालिसिस और सेक्टर एनालिसिस सीख लिया तो फिर मार्केट में आपके प्रॉफिट मेकिंग चांसेस दूसरों से कहीं बेहतर होंगे। और फ्रेंड्स, शेयर एकेडमी का मकसद आप लोगों को सिखाना कभी भी नहीं था। हमारे प्रीवियस वीडियोज अगर आप देखेंगे तो हम हमेशा ये कहते हैं कि इस चैनल का मकसद आपको सिखाना नहीं है बल्कि आपके लिए शेयर एनालाइज करना है, बट हम गलत थे। हमें लगता है कि आपको सिखाना सबसे इंपॉर्टेंट काम है ताकि न केवल हमारे ऊपर लोड कम हो, क्योंकि आप सीख जाएंगे तो बुरे शेयरों से आप अपने आप दूर हो जाएंगे तो हमारा लोड थोड़ा कम हो जाएगा, और दूसरी चीज़ है कि आपको सिखाने से लंबे समय में ये आपके लिए प्रॉफिटेबल होगा। इस वजह से हमको अपना जो मोटो था वो बदलना पड़ा, जहां हम आपको सिखाना नहीं चाहते थे वहां अब हमारा मेन मकसद आपको सिखाने के ऊपर है ताकि आप अपनी मदद खुद कर सकें। बहुत ज़्यादा लंबा सेशन नहीं हुआ है फ्रेंड्स, और उम्मीद है कि सेशन के अंदर हमने नॉलेज देने की कोशिश की है। अच्छा, एक लास्ट चीज़ और बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आपको लग रहा है कि ये सारी चीज़ें बहुत कठिन हो रही हैं, सेक्टर एनालिसिस, ओवरऑल इकोनॉमी के बारे में पूरा स्टडीज़ अगर कठिन है, तो आप सिर्फ एक काम कीजिए, शेयर एकेडमी से जुड़े रहिए,
हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़े रहिए, हमें ट्विटर पर फॉलो कीजिए। आपके लिए ये सारे काम हम करते रहेंगे। उसकी वजह यह है कि मार्केट हमारा पैशन है। इसे पढ़ना, फाइनेंस पढ़ना, इकोनॉमी को पढ़ना, बिजनेस पढ़ना, ये सारी चीज़ें हमें पसंद हैं, और साथ ही साथ निवेश करना भी। तो आप हमारे साथ जुड़े रहकर आसानी से फ्री राइड ले सकते हैं। करना सिर्फ आपको इतना है कि आपको हमारी थोड़ी सी मदद करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियोस को लाइक शेयर और कमेंट करना है, और साथ ही साथ हमें गाइड भी करना है। अगर आपको लगता है कि किसी भी जगह पर किसी वीडियोस में हमने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी है, हमसे कुछ चीज़ छूट गई है, कहीं कुछ गलती हुई है, बेधड़क बिंदास आप अपनी जो राय है, आपकी वो राय पूरी तरह से हमें दे सकते हैं। हम बिल्कुल ये मानते हैं कि हर आदमी सीखने के लिए बहुत कुछ अपॉर्चुनिटीज़ रखता है और बहुत सारी संभावनाएं होती हैं हर किसी के पास। किसी के पास पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं होती है, ठीक है। सो आपको अगर लगता है कि कहीं पर भी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, तो इमीडिएटली हमें करेक्ट कीजिए। आपके सुझाव का हमें बहुत बहुत इंतज़ार रहेगा, क्योंकि आपके सुझाव की वजह से हम धीरे धीरे चैनल को और बेहतर बना पाएंगे। फ्रेंड्स, उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, और हमारी सलाह है कि इन वीडियोज़ को 2 से 3 बार ज़रूर देखिए। ये इन्फॉर्मेशन फ्रेंड्स ऐसी है जो मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि नॉलेज थोड़ा सा कठिन पड़ता है, नो डाउट। सीखना नई चीज़ें और टेक्निकल चीज़ें सीखना कठिन पड़ता है, इसलिए लोग अवॉइड करते हैं ज़्यादातर लोग। इसलिए हम कहते हैं कि इन वीडियोज़ को 2 से 3 बार देखिए, थोड़ा थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। आपके जो डाउट्स हों, उन डाउट्स को कमेंट बॉक्स में जाइए, कमेंट के अंदर डाल दीजिए। आपके डाउट्स हम आने वाले वीडियोज़ में या फिर उसी कमेंट बॉक्स के अंदर क्लियर कर देंगे। सो फ्रेंड्स, सेशन आज का यही हम क्लोज करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन न केवल आपको पसंद आया होगा, बल्कि पसंद आने से भी ज़्यादा आप सभी के लिए नॉलेज वाला और प्रॉफिटेबल होगा। अगर ऐसा है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को कीजिए लाइक शेयर एंड कमेंट्स, और अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर आ रहे लेफ्ट साइड के इस पेटीएम नंबर पर हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। आपके डोनेशन की हमें बहुत ज़रूरत है फ्रेंड्स, सिस्टम को अपग्रेड करने के लिए। आप चाहें तो गूगल पे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, साथ ही साथ आप चाहें तो हमारी मन की बात सीरीज जो है ऐसे वीडियोस बनाकर भेज सकते हैं। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो बताइए हमें कि क्यों शेयर एकेडमी के साथ में आप जुड़े हुए हैं और शेयर एकेडमी को आप छोड़ना नहीं चाहते। हमारे चैनल के अंदर ऐसी क्या खास बात है जो मार्केट में चल रहे दूसरे चैनल से अलग है, क्यों शेयर एकेडमी आपको पसंद है, और साथ ही साथ भविष्य में आपकी शेयर एकेडमी के साथ में क्या एक्सपेक्टेशन है, आप क्या चाहते हैं कि हमें अपने चैनल के अंदर और क्या क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए। आपके इन वीडियोस से हमें इस चैनल को बेहतर बनाने में बहुत मदद मिलेगी। फ्रेंड्स, लाइव सेशन को यहीं पर समाप्त करेंगे। उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको पसंद आएगा। थैंक यू वेरी मच।